Everyone, welcome back to another vlog. Welcome back to another video. I hope you are doing well and you're watching my YouTube channel Life with Leela. Before starting the video, make sure to subscribe my channel and follow me on Instagram. Instagram का handle आपको ऊपर नजर आ रहा होगा Leela155. तो जल्दी से जाकर मुझे Instagram पे follow करें. So आज का vlog start करते हैं. जैसे कि आपको पता है कि शादी खत्म हो गई है और बस अब रूटीन पे आएंगे और काम करेंगे सारे. अच्छे यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पहले व्लॉग का बता देती हूँ. यहाँ पे मैं करके आ रही हूँ. अच्छा, मैं उठी थी तकरीबन सुबह 10 बजे और इसके बाद फिर मैंने देखा कि अम्मी जो है वो कड़ी बना रही है, तो अम्मी ने कड़ी ऊपर रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चले मैं पकौड़े जो है वो बना लेती हूँ, उसका सामान तैयार कर लेती हूँ. और पकौड़े किस तरह से बनते हैं हमारे घर में उसकी रेसिपी मैं आपको बता दूँगी. हमारे घर में ना जो कड़ी में पकौड़े जाते हैं ना, वो मोस्टली आलू पालक के ही होते हैं और प्याज बहुत थोड़ा सा हम उसमें ऐड करते हैं. तो पालक के पकोड़े तो वैसे मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, हमारे घर में सबके फेवरेट है. और पालक के पकोड़े वैसे भी बहुत मज़े के बनते हैं. आप लोगों ने अगर ये ट्राई नहीं किया तो लाजमी ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा. और पकोड़े बनाते बनाते मुझे इतना डिप्रेशन हो रहा था ना, क्योंकि इसके बाद मैं जो काम करने वाली ना, वो सबसे ख़राब काम लगता है मुझे अपनी लाइफ का. करना क्या है जी, मुझे निकालने हैं सर्दियों के कपड़े और गर्मियों के मुझे वापस से समेटने हैं. और मुझे इतना सरदर्द लग रहा है ना ये सारा करना. अच्छा, मुझे बहुत बुरा लगता है चीज़ें निकालना, उनको बिखेरना और वापस से उसको समेटना, मुझे बहुत बुरा लगता है. लेकिन फेयर करना तो है ही है. तो बस यहाँ पर मैं साथ साथ पकौड़े का सामान तैयार कर रही हूँ, साथ मैं अपना मूड बना रही हूँ कि मैंने अभी वो काम करना है. अच्छा, मैं आपको अपनी ना विंटर कलेक्शन भी दिखा दूँगी, कुछ हद तक मैं दिखा दूँगी आपको. और अभी फ़िलहाल यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ पकौड़े, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं बार बार एक ही बात किए जा रही हूँ. बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैं वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि पकौड़ों में क्या क्या चीज़ें ऐड करूँगी. और इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं. और बस मैंने यहाँ पे बता देती हूँ, मैंने खुश्क धनिया, हरी मिर्चें, ऊपर से लाल मिर्च का पाउडर, नमक, ज़ीरा थोड़ा सा ऐड किया था और साथ में इसमें मैंने डाल दिया था बेसन. बेसन मैं बहुत काम रख के डालती हूँ. हम लोगों में ना, हमारे घर में वो वाले फ्लफी से और वो सारा बेसन भरा हुआ ना, उस तरह के पकौड़े नहीं बनते. हमारे घर में ना कुरकुरे से और क्रिस्पी से पकौड़े बनते, तो उसी तरह के मैं बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी हमेशा से ऐसे ही बनाती थी, हमें वही अच्छे लगते हैं खाने में, तो मैं उसी तरह से बनाती हूँ. साथ साथ मैंने यहाँ पे अपना ना मॉर्निंग ड्रिंक जो है वो बनने के लिए रख दिया था, वो तैयार हो गया, तो साथ साथ पी लेती हूँ. अच्छा, पता नहीं ये दालचीनी का कलर इस तरह से क्यों आ रहा है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि सब लोग यूज़ करते हैं तो उनके साथ भी ऐसा होता है. अच्छा, पिंक कलर का कावा पता नहीं क्यों बन जाता है, वो इतना डार्क सा कलर. हालाँकि ये देखें, मैंने बहुत कम क्वान्टिटी में ये दालचीनी डाली थी, शायद वो इस तरह से आ रही है बाज़ार में. पता नहीं ये पीने में अच्छी भी है या नहीं है, लेकिन खैर मैंने बना के उसको पी लिया, अब ज़्यादा तो थोड़ी करना था उसका. और पकोड़े की रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कड़ी की नहीं कर सकी, क्योंकि कड़ी जो है मेरी मम्मी ने वो मेरे उठने से पहले ही ऊपर चढ़ा दी थी पकने के लिए सुबह सुबह ही. क्योंकि कड़ी जो हमारे घर बनती है ना, तकरीबन 5-6 घंटे के लिए मम्मी पकने के लिए रखती हैं, देन फिर हम लोग उसको खाते हैं. अच्छा, ये वाली कड़ी जो है ना, वो दही की बनाई थी. हम यूजली जो है ना, वो लस्सी की कड़ी बनाते हैं, लेकिन ये दही की थी और दही इतना कोई खास खट्टा नहीं था, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन भी डाल दिया था, ताकि थोड़ी सी ना खट्टी खट्टी हो जाए कड़ी की, वो खट्टी खट्टी अच्छी लगती है. तो बस यहाँ पे इसमें मैंने पकौड़े ऐड कर दिए. पकौड़े के साथ मैं यहाँ पे ना उसी कुकिंग ऑयल में मैं थोड़ा सा ज़ीरा डाल के उसको थोड़ा सा रोस्ट कर दिया था, और वापस ऊपर से उसके डाल के तड़का लगा दिया. ऊपर से खुश सॉरी हरा धनिया डाल दूँगी. और जी ये कड़ी हमारी हो गई है रेडी, जो कि बहुत बहुत मज़े की बनी है. हाँ, थोड़ी खट्टी कम थी, बाकी वैसे बहुत अच्छी बनी थी. अच्छा, ये पतली यहाँ पर इसलिए क्योंकि गर्म गर्म अभी चूल्हे से उतारी है, जब ये ठंडी हो जाती है ना, तो ये खुद ही खुद जो है वो गाढ़ी हो जाती है. तो बस उसके बाद जी मैंने जो रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गई थी, और सारे काम मैंने कर लिए. मैंने ना यहाँ पे सर्दियों के सारे कपड़े निकाल के रख लिए थे, और गर्मियों के जो है वो मैंने वापस रख दिए थे. और यहाँ पे जो सर्दियों के निकाले थे ना, वो मैंने अपने वाले जो है ना, फिलहाल मैंने प्रेस कर लिए, आस्ता आस्ता सबके प्रेस करके रख दूँगी. तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसी तरह ना थोड़े से शेयर भी कर देती हूँ मेरे पास किस किस्म के कपड़े हैं. अच्छा, मेरे पास ज़्यादा ना शर्ट्स वगैरह आपको नजर आएंगी. ये जो शर्ट है मैंने सफ़ायर से ली थी, और ये मैंने तकरीबन 2500 रुपये की ली थी तब. और ये शर्ट ये भी मैंने सफ़ायर से ली थी इस तरह से. अच्छा, मुझे इस तरह के ना बड़े अच्छे लगते हैं कुर्ते स्टिच, और प्लेन में तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वैसे भी, तो ये मेरा फेवरेट वाला.
और ये जो ब्लैक कुर्ता है ना, ये मैंने खुद स्टिच करवाया था, इसके साथ मैंने शलवार स्टिच कराई थी। अच्छा, मेरे आप कपड़ों पे नोटिस करेंगे कि जितने भी कपड़े निकाल के मैंने प्रेस किए ना, तकरीबन सबके ऊपर आपको सेफ्टी पिन लगी हुई नजर आएगी। अच्छा, मुझे इतनी ख़राब आदत है ना, मुझे कहीं पर भी सेफ्टी पिन इस तरह नज़र आती है ना पड़ी, तो मैं उठाकर अपने कपड़ों के साथ लगा लेती हूं, चलो यूज़ कर लेंगे बाद में। जैसे कि ये वाले प्रिंट ड्रेस पर भी आप देख रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये शमोस का है, सिल्क का है, इस तरह के आपको वो ब्रांड्स पर भी मिल जाएंगे इस स्टॉक में आपको कुर्ते, और लेकिन ये मैंने बाहर से शर्ट लेके वो स्टिच किया था। अच्छा, ये वाला जो कुर्ता है ना, ये कैंब्रिक का है, और ये मैंने लास्ट ईयर लिया था लाइमलाइट से, और स्टिच मैंने खुद करवाया था। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अभी सिर्फ मैंने एक दफ़ा पहना है, और आपने मेरी अगर वेट लॉस वाली वीडियो देखी ना, उसमें मैंने ये पहना हुआ था। और ये जो मैंने लिया है, ये लास्ट ईयर मैंने लिया था खद्दर का, अनस्टिच फ्रीडम टू बाय में से लिया था ये मैंने निशात से, और उसको मैंने इस तरह से, आपको पता कि इस तरह की फ्रॉक्स है ना काफ़ी ट्रेंड में थी लास्ट ईयर भी, इस साल भी हैं, लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था इनका, तो मैंने इस तरह से स्टिच करवा ली थी। ये जो है, ये घर पर पहने वाले नॉर्मल कपड़े हैं। ये मैंने, ये वाला जो आप सिंधी कुर्ता देख रहे हैं, और एक ये जो मेरे हाथ में ब्लू वाला है, ये मैंने लास्ट ईयर लिए थे लिबर्टी से लिए थे। आपको पता होता है कि भाई वो जो स्टिच कुर्ते लगे होते हैं ना 300-400 वाले, वो वाले ये कुर्ते हैं। और ये वाले कुर्ते मैं इसलिए लेकर रख लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट से होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं पहनने में, और इस तरह के ना, मतलब नवंबर और अक्टूबर इस तरह के महीने में ये बड़े अच्छे रह जाते हैं। अच्छा, ये येलो वाला मस्टर्ड कुर्ता ना मैंने लिया था गर्मियों में, इसके ऊपर एम्बॉस का काम हुआ है सारा, तो ये भी मैंने लिबर्टी से लिया था, और आपने मुझे ना रमज़ान वाले ब्लॉग्स में पहने हुए देखा भी होगा। अच्छा, तब मैंने ना समझा था ये लोन का, लेकिन जब मैंने इसको एक दफ़ा वॉश किया ना, तो ये अरेबिक लिनन थी, तो इसलिए फिर मैंने इसको रख दिया था वापस, मैंने पहना ही नहीं, फिर मैंने सोचा मैं सर्दियों में ही पहन लूँगी। और ये जो फ्रॉक है ना, ये तकरीबन ना मुझे लगता है कोई 4 साल पुरानी है, और मैंने सिर्फ एक दफ़ा पहनी थी, वापस से मैंने कभी पहनी नहीं थी, क्योंकि तब मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, और बाद में मैंने सोचा था जब वेट लॉस होगा ना फिर ही पहन लूँगी। तो अब माशाल्लाह से मेरा अच्छा खासा 25 kg के करीब करीब मैंने कम कर लिया था, और उसके बाद फिर भी मैंने इसको नहीं पहना क्योंकि 2 साल मुझे पतले हुए भी हो गए, तो मैंने सोचा इस दफ़ा मैं इसको ना यूज़ करके तो बस एक दो दफ़ा पहन के बस दे दूँगी जिसको देना है। अच्छा, ये वाला जो ऊपर आपने टॉप देखा है, ये मैंने लिया था तर्ज से, ये तर्ज का जो टॉप है ना, ये मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा है लगता है मुझे, और मैंने काफ़ी दफ़ा पहना, लेकिन इसको मेरा फेंकने को बिल्कुल दिल नहीं करता। और ये जो आप मेरे हाथ में फ्रॉक देख रहे हैं ना, अच्छा ये मैंने कपड़ा लिया था पूरा, और ये मुझे काफ़ी सस्ता मिल गया था, और ये स्टिच मैंने खुद करवाई थी टेल में, ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत एलिगेंट लुक आती है इसके साथ, और ये मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा पहनी है, और इसको सिलाई हुए 2 साल हो गए। अच्छा, मेरे मोस्टली कपड़े ऐसे हैं जो मैंने या तो पहने नहीं होते या सिर्फ एक दफ़ा पहने होते। अच्छा, ये जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं ना, ये मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना, और इसको स्टिच हुए मैंने तकरीबन 2 से 3 साल हो गए, और इस दफ़ा मैंने कहा था कि निकाल के जो पहनने, एक दो दफ़ा पहन लो, बाकी अगर किसी को देने हैं तो दे दो, तो फिर मैंने सारे ही निकाल के इस दफ़ा प्रेस कर लिए। तो बस अभी ये मैंने जो प्रेस किए थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये येलो वाली शर्ट जो ना, ये मेरे बड़े वाले भाई वो अपने लिए लेके आए थे, लेकिन इसकी इतनी लंबी लेंथ है, मैंने इसको पहना था ना, तो ये बिल्कुल एक शर्ट की शर्ट का ये आ रहा था लुक, तो मैंने उनसे लेके रख लिया कि ये मैं पहन लूँगी किसी भी वाइट ट्राउज़र या टाइट्स के साथ, तो वो बहुत अच्छी लगेगी। मैंने ट्राई भी किया था, बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, आप लोगों में से कोई इस तरह से करता है भाइयों के कपड़ों पे कब्ज़ा? हमारे घर में तो ऐसे अक्सर हो जाता है, हमजा लेके आते हैं या बड़े भाई के, हमें कोई अच्छा लगता ना तो मैं और आलिया उठा लेते हैं। तो बस उसके बाद मैं फ्री हो गई थी फाइनली, बहुत थक गई थी मैं, बहुत सारा काम किया था, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे छोटी सी मैंने रोटी बना ली थी अपने लिए, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था खास, तो फिर मैंने एक कटोरी कढ़ी लेके तो फिर मैंने वही खा लिया। और आज मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ज़रा ना अपनी डाइट की तरफ वापस आ जाऊँ, थोड़ा पोर्शन कंट्रोल की तरफ ही जाऊँगी मैं। और बस ये था आज का व्लॉग, और इसके बाद हमजा ले आया था गोलगप्पे, क्योंकि मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, और हमजा के हारे के खट्टा जो है ना खाने से गला जो बेहतर हो जाता है, तो फिर मैंने सोचा फिर मैं गोलगप्पे ही खा के देख लेती हूँ, मे भी इसके साथ ही सही हो जाए। तो बस अभी मैं गोलगप्पे निकालूंगी, और आगे आपको जितने भी व्लॉग्स मिलेंगे ना सारे इसी तरह के मिलेंगे, जिसमें मैं बिखेरा डाल के बैठी हूँगी, क्योंकि अब आपको पता है कि शादी से हो गई हूँ, तो वो भी मुझे सारा समेटना है। ये तो अभी मैंने सर्दियों के निकाले और सारा दिन मेरा इसी में निकल गया, और अभी जब शादी के सारे निकालने हैं वो रखूँगी, और वापस जो आगे नेक्स्ट शादी आ रही है उसके लिए भी मुझे प्रिपेयर करके रखनी है ड्रेसेज वगैरह, तो वो भी करके रखेंगे। सो बस ये था आज का व्लॉग, ये थी आज की वीडियो, आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।